बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बिहार सरकार के, जिनका नाम तेज प्रताप यादव है, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उनका तबीयत अचानक खराब हो गया है, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनके सीने में अचानक दर्द हो जाने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है। वहीं उसके बाद वहां पे उनके समर्थकों के और चाहने वालों की हुजूम अस्पताल के बाहर लग गई। बताते चले कि तेज प्रताप अभी बिहार में मंत्री है और उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोर शोर पर चल रही है। हालांकि वहीं तेज प्रताप यादव के डॉक्टरों के द्वारा मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया गया कि अभी वो खतरे से बाहर है, उनकी तबीयत सही है। हालांकि उनके चेस्ट में दर्द है, हो सकता है वो गैस या किसी अन्य की वजह से हो, लेकिन कैंसर और हार्ट की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा है। हालांकि तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं कि अस्पताल के बेड पर पड़े हुए तेज प्रताप यादव अपनी दर्द को बयां करते हुए डॉक्टर से इशारों में बता रहे हैं कि उनके सीने में किस तरफ दर्द है। यह तस्वीर जैसे ही अस्पताल से निकली उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगी। वहीं डॉक्टर ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए इनके बारे में क्या कुछ बताया वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उनकी बात को सुन लेते हैं, डॉक्टर के द्वारा इनकी बारे में क्या कुछ कहा गया, अभी उनकी स्थिति कैसी है और क्या कुछ उन्हें तकलीफें हुई थी, आगे क्या उनको किस तरीके की बर्ताव करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर ने पूरी जानकारी दी। तो उनकी तबीयत अभी ठीक है, फिर है, अभी कोई परेशानी की बात नहीं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स है वो सारी ठीक है, कुछ और रिपोर्ट्स है जो हमने भेज रखी है, तो अभी तब तक के लिए उनको निगरानी में ही यहाँ रखा है। कब तक रहेंगे हॉस्पिटल में? कुछ रिपोर्ट्स की हम वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, एक बार सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं फिर हम उन्हें घर भेज पाएंगे। माना जाए कि आज रात में तेज प्रताप हॉस्पिटल में ही रहेंगे? कुछ रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं हम, अगर वो रिपोर्ट्स अभी हमें आ जाती हैं, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले शायद आधे एक घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाए, अगर वो रिपोर्ट्स भी हमारी एक्सपेक्टेशंस की तरह नॉर्मल ही आती हैं तो उनको रखने की बहुत वजह नहीं। सिचुएशन क्या सर ये बताइए? बिल्कुल अच्छे हैं। क्या वजह रही आपका? सीने में दर्द की कई वजह होती है, तो अभी शुरुआती कोई भी वजह हार्ट की तरफ इशारा नहीं करती, मस्कुलर स्प्रेन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो सकती है, तो वजह कई हो सकती है, अभी इस पर जंप करना सही नहीं होगा। एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाएँ तो हम आपको एग्जैक्ट वजह भी बता पाएंगे कि क्यों हुआ। बाकी अभी अगर उनके बारे में हम लोग जानने के लिए परेशान हैं तो उनकी कहानी अभी, कंडीशन अभी अच्छी है, शुरुआती जो भी रिपोर्ट्स हार्ट की हुई हैं वो सब लेवल में है, वो सब कंट्रोल में। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है, मैं यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हालांकि डॉक्टर विकास कुमार के द्वारा यह साफ शब्दों में कहा गया कि कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है, रिपोर्ट आने के बाद आपको बताया जाएगा कि उनकी स्थिति यह कैसे हुई और किन कारणों से उनके चेस्ट में जो है वो दर्द शुरू हुआ। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।